हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक मिरर क्यूब की फर्स्ट लेयर को बनाना। मिरर क्यूब की फर्स्ट लेयर बनानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर हम इस लेयर को बनाएंगे इस वीडियो में। मिरर क्यूब की सेकंड लेयर सबसे इजीएस्ट होती है और मिरर क्यूब की थर्ड लेयर सबसे डिफिकल्ट और फर्स्ट लेयर मीडियम होती है। तो चलिए अब हम अपने मिरर क्यूब को बनाना शुरू करते हैं। मैं अपने क्यूब को शफल कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, तो मैंने अपने मिरर क्यूब को शफल कर लिया। अब हम इसे पूरा क्यूब बनाएंगे, लेकिन इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ फर्स्ट लेयर को बनाना सिखा रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको फुल मिरर क्यूब बनाना सिखाया था, तो आप वहाँ जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। अब हम अपने फर्स्ट लेयर को बनाने के लिए सबसे पहले एक क्रॉस बनाते थे 3x3 में, तो हम इसमें भी एक क्रॉस बनाएंगे। अब देखिए, सब पहले हम सबसे ऊंचा सेंटर ढूंढते हैं। ये देखिए छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये इक्वल है सारे पीसीस के, लेकिन ये सबसे बड़ा पीस ये है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए ये भी इक्वल आ रहा है, ये भी इक्वल, ये देखिए ये बड़ा है इस पीस से, तो हम इसको ही होल्ड करेंगे। ये किसी ना किसी पीस से छोटा होगा, ये गारंटी होती है, क्योंकि जब कोई बड़ा पीस होता है तो हम उसी को होल्ड करते हैं, छोटे पीसेस को होल्ड नहीं करते। अब हम अपने इस पीस को होल्ड करके यहाँ के पीसेस को जोड़ेंगे। आपके साथ ऐसा भी केस हो सकता है कि आपको पहले से ही 2-3 पीसेस जुड़े हुए मिल जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं है। तो हम अपने पीसेस को इस लेयर में ढूंढेंगे और इस लेयर में। अब देखिए एक पीस यहाँ दिख रहा है मेरे को बड़ा, सिंपली इसको ऊपर ले आइए। अब ये देखिए ये यहाँ से हल्का सा छोटा है, ये एक बड़ा पीस है, ये सेंटर से भी मैच है। देखिए अपने, अगर ये यहाँ पर होता है पीस तो मैं इसको अपने पहले सेंटर से मैच करता, अपने पहले मैं इसको सेंटर से मैच करता यहाँ तक लाके फिर ऊपर लाता। अब देखते हैं ये वाला पीस मैच हो रहा है या नहीं। गाइस ये देखिए ये पीस बड़ा है, यानी हमने गलत सेंटर होल्ड कर लिया है। तो अब हमें बड़ा सेंटर ढूंढना है, ये छोटा सेंटर था तो बड़ा सेंटर देखिए ये है, अगर ये छोटा है तो ये बड़ा है। अब देखिए मैं इसको यहाँ मिलाता हूँ, ये यहाँ से देखिए मैच हो गया। अब ये पीस था, ये पहले से यहाँ मैच था, तो हमें अंदाजा हो गया कि ये पीस मैच होगा। ये पीस यहाँ चला गया, अब हमें इसे नीचे लाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। पहले हम एफ लेयर को घुमाएंगे ऐसे पकड़ के, यहाँ से एफ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ये पीस ऐसे आ रहा है, जबकि हमें इसे ऐसे सीधा खड़ा करना है। तो इसको सीधा खड़ा करने के लिए हम ये करेंगे, देखिए तो इसे सीधा करने के लिए हम ये करेंगे। अगर हम यहाँ से इसको सीधा करेंगे तो मेरा ये पीस बिगड़ जाएगा, क्योंकि मुझे इसका तरीका पता है कि इसको कैसे सीधा करते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ की साइड ले आता हूँ, जो कि ब्लैंक है अभी हमारी। आपको लग रहा होगा कि ये मैच है, लेकिन ये मैच नहीं है, ये जरा सा छोटा है। अब इसको वहाँ लाने के लिए, ये रहा वो पीस, इसको वहाँ लाने के लिए सबसे पहले अपने क्यूब को ऐसे होल्ड कर लीजिए ताकि वो नीचे फेस करे। अब इस एफ लेयर को क्लॉकवाइज टर्न कर लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है। अब ये मैंने इसको ऐसे टर्न किया, ये यहाँ पीस आ गया। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने का, एल लेयर को अपनी क्लॉकवाइज पोजीशन में घुमा दीजिए। अब आप देख सकते हैं हमारा ये पीस सीधा खड़ा हो गया। अब हम इसे भी मैच कर देंगे, ये देखिए अभी अपने सेंटर से पहले ही मैच है, पर ना हम इसे भी मैच करते, दो बार घुमा दीजिए, ये भी मैच हो गया हमारा। ये देखिए अब हमें एक एल मिल गया है यहाँ। अब हमारे ये दो पीसेस बचे हैं, अब इन दो पीसेस को हम ढूंढते हैं। हम अपने ये बात का ध्यान हमेशा रखना है कि हम अपने एच पीसेस को इस लेयर में ढूंढते हैं और किसी लेयर में, या फिर यहाँ पर होते हैं हमारे एच पीस या फिर इसी लेयर में होते हैं। अगला एच पीस ढूंढते हैं। देखिए तो पहले मैंने आपको बताया हमें एक एल मिल गया, अब इस लेयर में ढूंढते हैं पीसेस। ये छोटा पीस है, ये छोटा पीस है, ये बड़ा पीस है, लेकिन ये देखिए ये यहाँ पर छोटा पड़ेगा, ये मैच साइड है, यहाँ पर आपको कभी पीस आ ही नहीं सकता। ये बड़ा पीस आ गया एक। अब हम इसको अपने सेंटर से मिलाते हैं, ये यहाँ से मैच नहीं हो रहा, ये यहाँ से भी मैच नहीं हो रहा, लेकिन ये यहाँ से मैच हो रहा है। अब बस अपने क्यूब को ऐसे होल्ड कर लीजिए और 2 times इसको ऐसे रोटेट कर लीजिए। अब देखिए ये पीस भी हमारा मैच हो गया है। अब हमारा ये हमें मिल चुकी है एक लाइन। जब हम थर्ड लेयर बनाएंगे तो इस लाइन का भी बहुत महत्व होता है, लेकिन अभी इस लाइन का कोई महत्व नहीं है। अब हम अगले बड़े पीस ढूंढते हैं। ये बड़ा पीस नहीं है, ये भी बड़ा पीस नहीं है, ये भी बड़ा पीस नहीं है, ये एक बड़ा पीस है। अब इसको पहले सेंटर से मैच कीजिए, सेंटर ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच हो गया। अब सिंपली इसको 2 times ऊपर ले आइए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखेंगे कि हमारा एक पीस छोटा पड़ गया है। ये देखिए यहाँ पर मेरा ये पीस था
और ये पोजीशन भी इसकी गलत आ रही है। देखिए अगर मैं इसको ब्लैंक साइड में लेके जाके भी घुमाता हूँ तो भी ये गलती लगेगा। देखिए हल्का सा छोटा है ये पीस यहाँ से। चलिए तो अब आखिरी पीस ढूंढते हैं। मैंने ये एग्जांपल दिया था आपको कि इतने छोटे पीस नहीं लेने हैं। देखिए आखिरी पीस ढूंढते हैं। ये छोटा पीस है, ये बड़ा पीस है, लेकिन ये यहाँ पर फेस कर रहा है। अब हम इसके सेंटर मैच करते हैं। सेंटर ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच हो गया। और ये ब्लैंक साइड भी है। ये देखिए ये केस बिल्कुल सही है आपके मिरर के ऊपर क्रॉस बनाने में। अब देखिए हमारा क्रॉस बन चुका है यार टॉप साइड पर। अब हम कॉर्नर पीसेस ढूंढ के बस आडी कर देंगे। कॉर्नर पीसेस ढूंढते हैं। तो चलिए अब कॉर्नर पीस ढूंढने का समय आ गया है। कॉर्नर पीसेस को ढूंढते हैं और उनकी पोजीशन करते हैं। देखिए दोस्तों क्रॉस बनाने के बाद हमें एक चीज पर बहुत ही ध्यान देना है कि अब हम ये वाले पीसेस को इस लेयर में ढूंढेंगे। इस ये पीस बड़ा है, ये यहाँ पर फिट नहीं हो सकता। ऐसे करके देख लीजिए ये बड़ा है और ये यहाँ से छोटा भी लग रहा है। वापिस ले आइए इस पीस को करके देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल इक्वल पीस है ये। अब इसको उधर लेके जाइए, इसको नीचे लाइए, इसको नॉर्मली मैच कर दीजिए और वापस ऊपर ले आइए। ये बन गया हमारा एक पीस। क्रॉस को भी कुछ नहीं हुआ और ये एक पीस भी मैच हो गया। अगला पीस ढूंढते हैं अब हम। अब देखिए मेरा यहाँ पर ये पीस है, ये मैच नहीं हो रहा है। अब अगले पीस पर चलते हैं। इसको ऊपर ला के देखिए, ये भी मैच नहीं हो रहा है। अगला पीस ये तो छोटा सा ही है, तो बिल्कुल मैच ही नहीं हो सकता। इसको करके ये मैच हो गया है। अब मैं सिंपली इसको इस साइड घुमाऊंगा, वापिस डाउन लाऊंगा, फिर इसको मैच कर दूंगा। मैच करके वापिस ऊपर ले आइए। इतना हमारा प्लस के को भी कुछ नहीं हुआ और हमारा ये भी बन गया। अब ये देखिए हमने ये कितनी सिंपल तरीके से बना लिया। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं, ये पीस ढूंढते हैं अब हम अपने क्यूब। देखिए तो सबसे पहले ये पीस मैच करते हैं। तो आपको पता है इतने तो ये तो मैच होगा ही नहीं। अब इस पे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं, ये मैच नहीं हो रहा। चलिए तो अगले पीस पे बढ़ते हैं। ये तो छोटा सा है, अब इसको मैच करके देखते हैं, ये मैच हो रहा है। आपको एक ना एक पीस तो ऐसा मिल जाएगा इस लेयर में जो मैच हो रहा है, और फिर वही कर देंगे हम। ये मैच करके वापस ऊपर ले आइए, ये भी बन गया हमारा इतने आसान तरीके से। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अब हम, तो आखिरी कॉर्नर पीस को ढूंढते हैं। कई वो यही कॉर्नर पीस तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए आखिरी पीस को ढूंढते हैं अब हम। ठीक है तो आखिरी पीस पर वर्क कर रहे हैं हम। इसको ऊपर लेके आते हैं, मैच नहीं हो रहा। अगला पीस देखते हैं, मैच नहीं हो रहा। अगला पीस देखते हैं, यहाँ पर लाके मैच नहीं हो रहा। अगला पीस देखते हैं, मैच हो गया ये पीस। अब सिंपली जैसे मैंने बताया था, इसको लेयर को उधर घुमाए, घुमा के नीचे लाइए, इसको वापस ज्वाइन कीजिए, ऊपर ले आइए। हमारी फर्स्ट लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है विद देयर मैच सेंटर्स। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मिरर क्यूब की सेकंड लेयर। तब तक स्टे ट्यून्ड विद मी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। और अगर आप मेरा कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।